हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू परफॉर्म वन मोर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट फ्रॉम क्लास 11th. द एम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज टू डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ अ गिवन विस्कस लिक्विड बाय मेजरिंग टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ गिवन स्फेरिकल बॉडी. तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम एक लिक्विड का विस्कोसिटी फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द सम स्फेरिकल बॉडी विच इज फॉलिंग इन टू दैट पर्टिकुलर लिक्विड. तो इस एक्सपेरिमेंट में जाने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड द एपरेटस दैट वी आर गोइंग टू यूज इन दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट. सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज अ ग्लास सिलिंड्रिकल जार. ओके, सो यू कैन सी दैट वी हैव दिस सिलिंड्रिकल जार, बराबर, जिसके अंदर हमने एक विस्कस लिक्विड फिल किया हुआ है. और ये जो विस्कस लिक्विड जो हम यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में यूज करने वाले वो है ग्लिसरीन. ठीक है, तो हमें जो विस्कस लिक्विड चाहिए वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. तो ये हमने ग्लिसरीन को यूज किया हुआ है. तो सबसे पहले एपरेटस में हमें सिलिंड्रिकल जार चाहिए जिसके अंदर हमने ग्लिसरीन को फिल किया हुआ है. सेकेंड, वी रिक्वायर सम स्फेरिकल बॉडी, जो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास कुछ स्फेरिकल बॉडीज है. ठीक है, तो ये स्फेरिकल बॉडीज हमें चाहिए. देन वी रिक्वायर्ड वन स्टॉप वॉच जहां पे हम वेलोसिटी के लिए टाइम को मेजर करेंगे, और एक स्केल हम यूज करेंगे, बराबर, इन दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट. तो सबसे पहले बिफोर वी गो फॉर द एक्सपेरिमेंट लेट अस अंडरस्टैंड सम थियोरी बैकग्राउंड ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. तो हम यहां पे बेसिकली स्फेरिकल बॉडी का टर्मिनल वेलोसिटी मेजर करेंगे, और टर्मिनल वेलोसिटी की हेल्प से हम लोग ये जो लिक्विड जो हमने यहां पे फिल किया हुआ है उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैलकुलेट करेंगे. तो टर्मिनल वेलोसिटी का जो इक्वेशन है जो आप लोगों ने ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ के रखा हुआ है, ये इक्वेशन कुछ ऐसा था, 2R² रो माइनस सिग्मा जी अपॉन 9 ईटा. अगर हम ईटा को सब्जेक्ट बनाते हैं जो कि हमें कैलकुलेट करना है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो ये इक्वेशन बन जाता है 2R² रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन 9V, जहां पे R का मतलब है रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी, रो का मतलब है डेंसिटी ऑफ द बॉडी, मतलब कि यहाँ पे हमने आयन स्फेरिकल बॉडी यूज किया हुआ तो हम उसका डेंसिटी यूज करेंगे. सिग्मा है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, मतलब कि डेंसिटी ऑफ द ग्लिसरीन. ओके, जी दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड वी इज द टर्मिनल वेलोसिटी. तो यहाँ पे जो आप फ्री फॉलिंग बॉडी, जो यहाँ पे जब लिक्विड के अंदर एक बॉडी फॉल होगी और ये बॉडी जब लिक्विड में फॉल हो रही है, तो किस तरह से यहाँ पे आप टर्मिनल वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं, ये आपने ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ा हुआ है. मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ. ये हमारा स्फेरिकल बॉडी है और जो लिक्विड के अंदर फॉल हो रहा है, जब वो लिक्विड के अंदर फॉल होता है तो उसके ऊपर कितने टाइप्स के फोर्स यहाँ पे एक्ट होते हैं उसको थोड़ा समझते हैं. तो जब आपका बॉडी लिक्विड के अंदर जब फॉल हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग. ओके, एंड दैट्स वाई इट इज अ एक्सेलरेटेड मोशन. तो ये जो बॉडी है उसका मोशन जो होगा डाउनवर्ड में एक्सेलरेटेड होता है. अब जब ये बॉडी नीचे की तरफ फॉल हो रही है तो उसके आसपास के जितनी भी लेयर्स है, बराबर, तो वो सारी लेयर्स जो है वो रिलेटिवली ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगी. तो अगर हम इसको थोड़ा और डिटेल में समझे तो ये बॉडी के डायरेक्ट टच में जो लेयर है लिक्विड की वो उतनी ही वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जाएगी जितनी वेलोसिटी से ये बॉडी नीचे की तरफ आ रही है. सिमिलरली उसके थोड़े बाजू वाली जो लेयर है वो उससे कम वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जाएगी, उसके बाजू वाली जो लिक्विड की लेयर है वो उससे भी कम वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जाएगी, एंड सो ऑन. जो बहुत ही दूर की जो लेयर है वो रिलेटिवली रेस्ट पर होगी, बराबर. तो बेसिकली यहां पे आपको ये देखने को मिलता है कि जब भी कोई स्फेरिकल बॉडी लिक्विड के अंदर फॉल हो रही है तो जो लिक्विड की जो लेयर्स है जो उसके आसपास में डिस्ट्रीब्यूटेड है वो सारी लेयर्स में वेलोसिटी का एक डिफरेंस डेवलप होता है. हर एक लेयर दूसरी लेयर से अलग वेलोसिटी से अपोजिट ट्रैवल कर रही है. तो ये बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी डिफरेंस अमॉन्ग द लेयर्स, जिसको हम वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं थ्योरी में, तो ये इसके कारण यहाँ पे एक विस्कस ड्रैग डेवलप होता है. और ये विस्कस ड्रैग जो यहाँ पे डेवलप हो रहा है वो इस बॉडी के मोशन को अपोज करता है, जिसको हम विस्कस ड्रैग भी बोलते हैं. और इसको हमने थ्योरी में डिफाइन किया था स्टॉक्स लॉ. तो स्टॉक्स लॉ हमने जो पढ़ा था तो उसमें जो फोर्स लग रहा है F = जिसको हम स्टॉक्स लॉ का फोर्स बोलते हैं, विस्कस फोर्स बोलते हैं, बराबर, उसका इक्वेशन हमने पढ़ा था 6πηRV, जो ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है, जो आपके बॉडी के मोशन को अपोज करता है.
सिमिलरली यहाँ पे एक और फोर्स लगता है जिसको हम बायोन्सी बोलते हैं, जो जो और जो भी जो खुद भी ऊपर की तरफ लग रहा है। तो यहाँ पे टोटल जो तीन फोर्सेस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें दो ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है। अब होता ये है कि जब भी आपकी बॉडी फॉल हो रही है तो वेट उसको ऑलवेज डाउन साइड में पुल करता है, और जिसके कारण उसका मोशन जो है वो एक्सेलरेटेड बन जाता है। और जितना आपका बॉडी नीचे की तरफ ज़्यादा स्पीड से ज़्यादा वेलोसिटी से फॉल होगा, उतना ही ये जो लेयर्स है उनके बीच में वेलोसिटी ग्रेडियंट डेवलप होगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट ऊपर की डायरेक्शन में जो विस्कस फोर्स है वो भी बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि आपके वर्टिकल के जो दो फोर्सेस है और ये जो डाउनवर्ड का जो फोर्स है वो दोनों बैलेंस हो जाएंगे, बराबर, जिसको हम इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं। तो डाउनवर्ड फोर्सेस इक्वल टू वर्टिकल फोर्सेस, तो ये बैलेंस हो जाएंगे। और ये जब बैलेंस हो जाएंगे तो उसके बाद ये जो स्पेरिकल बॉडी है उसका वेलोसिटी स्टेबल हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। एंड देन आफ्टर दिस बॉडी विल फॉल विद द मैक्सिमम कॉन्स्टेंट वेलोसिटी विच वी कॉल्ड एज अ टर्मिनल वेलोसिटी। अगर इसको समझना है तो एक सिंपल से एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे मेरे पास कोई स्फेरिकल बॉडी है, यहाँ पे मैंने उसको होल्ड करके रखा हुआ है, द वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड, बराबर। जब हम इसको फॉल करेंगे तो यहाँ पे जब फॉल होगा तो धीरे धीरे जब ये फॉल हो रहा है तो नीचे वेट बढ़ रहा है, ऊपर विस्कस ड्रैग भी इंक्रीज हो रहा है। तो इनिशियली आप अगर उसको नंबर से समझना चाहो तो आप ऐसा बोल सकते हो कि इनिशियली द वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड, देन इट रीच टू द 2 मीटर पर सेकेंड, देन 3 मीटर पर सेकेंड, देन 4 मीटर पर सेकेंड, देन 5 मीटर पर सेकेंड, ऐसे ग्रेजुअली बढ़ रहा है, लेकिन सामने अपोजिट में विस्कस ड्रैग भी इंक्रीज हो रहा है। तो एक टाइम के बाद जब दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे तो आपकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ना बंद हो जाएगी। तो आफ्टर 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, देन इट मूव विद द कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब लाइक दैट। तो ये जस्ट नंबर आपको रेफरेंस के लिए मैं दे रहा हूँ कि 5 मीटर पर सेकेंड के बाद ये वेलोसिटी बढ़ना बंद हो गई, then the body will fall with the constant maximum velocity and that we called as a terminal velocity of the body and that is what we are going to measure in this experiment. तो इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले कुछ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे हम स्टडी कर लेते हैं कि हमें इनिशियली हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम जो स्टॉपवॉच यूज करने वाले स्टॉपवॉच को उसका लिस्ट काउंट हमने यहाँ पे नोट डाउन करके रखा हुआ है, दैट इज 0.01 सेकेंड। देन सेकेंड We need to understand the list count of the vernier calipers. Vernier calipers आप लोगों ने already पहले पढ़ के रखा हुआ है, ठीक है, किस तरह से उसको यूज किया जाता है, किस तरह से उसका लिस्ट काउंट हम निकालते हैं। तो उसका भी लिस्ट काउंट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 0.01 सेंटीमीटर, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वर्नियर कैलिपर्स हम इस स्फेरिकल बॉडी का डायमीटर यूज कर मेजर करने वाले, क्योंकि हमें इक्वेशन में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो डायमीटर भी हमने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है 0.60 सेंटीमीटर, जो कि स्फेरिकल बॉडी का डायमीटर है। नाउ हाउ टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट, हम इसको कैसे परफॉर्म करने वाले। तो टर्मिनल वेलोसिटी मेजर करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो मार्क यहाँ पे बनाए हुए रबर बैंड के, बराबर, जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये जो मार्क है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 50 सेंटीमीटर, ओके, मतलब हमने यहाँ पे 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे दो मार्क किए हुए, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले, हम इस एक्सपेरिमेंट में प्रोसीजर जो है वो इस तरह से है कि हमारे पास जो स्फेरिकल बॉडी है उस स्फेरिकल बॉडी को हम यहां से फॉल करवाएंगे। जब ये स्फेरिकल बॉडी पहले वाले मार्क को क्रॉस करेगी उस टाइम पे हम लोग स्टॉपवॉच स्टार्ट करेंगे, और जब ये स्फेरिकल बॉडी दूसरे मार्क को क्रॉस करेगी तब हम स्टॉपवॉच बंद कर देंगे। तो टोटल जो 50 सेंटीमीटर का जो यहाँ पे आपको डिस्टेंस दिखाई दे रहा है उसके बीच में जब आपकी स्फेरिकल बॉडी फॉल हो रही है तो उस 50 सेंटीमीटर के लिए कितना टाइम उसको लगता है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, बराबर, और उस वेलोसिटी से हम इस टाइम से और डिस्टेंस से हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने वाले। तो चलो हम इसको परफॉर्म करते हैं, बराबर, और देखते हैं किस तरह से हम इसका टाइम निकाल सकते हैं और बाद में हम इसका वेलोसिटी और विस्कोसिटी कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास स्टॉपवॉच है, बराबर, और ये मेरे पास मैंने एक स्फेरिकल बॉडी यहाँ पे रखी है, ठीक है। तो मैं स्फेरिकल बॉडी को यहाँ से फॉल करवाऊंगा और जैसे ये फर्स्ट मार्क पे पहुंचेगी हमें स्टॉपवॉच स्टार्ट करना है, और जैसे सेकेंड मार्क को क्रॉस करेगी हमें स्टॉपवॉच पॉज करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। यहां पे आप देख सकते हो जैसे इस सेकेंड मार्क पर पहुंची हमें स्टॉपवॉच बंद कर देना है। तो हमने पहली स्फेरिकल बॉडी यहां पे हमने रिकॉर्ड किया टाइम 3.88। उसी तरह से हमें ये तीन बार ये एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है, बराबर, वी हैव टू मेजर 3 टाइम्स। सो लेट्स डू इट वंस अगेन।
दिस इज अ स्फेरिकल बॉडी, ओके, एंड यहां से हम उसको रिलीव करेंगे. अगेन वी आर गेटिंग सम टाइम 3.78, ओके, एंड यू कैन डू वन मोर टाइम. तीन बार हम इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे तीन स्फेरिकल बॉडी के लिए. ओके, 1 2 3 स्टार्ट. ओके, तो यहां पे हमारे पास तीन अलग अलग टाइम के मेजरमेंट आ चुके हैं. ठीक है, सो तीन बार हम तीन स्फेरिकल बॉडी को यहां से फॉल करवाएंगे लिक्विड के अंदर, और तीन बार ये 50 सेंटीमीटर के लिए हम लोग टाइम को रिकॉर्ड करेंगे. तो हमने इस एक्सपेरिमेंट को ऑलरेडी परफॉर्म करके रखा हुआ है, हमारे पास कुछ मेजरमेंट है, उसको मैं आपके साथ शेयर करता हूं. जैसे हमने अर्लियर इस एक्सपेरिमेंट को किया था, तो वही मेजरमेंट के कुछ टाइम में यहां पे आपको लिख के दे रहा हूं कि हमने जब मेजर किया तो टाइम इतना हमें मिल रहा था, 4.16 पहली बार में, दूसरी बार में 4, और तीसरी बार में 4.06. ओके, तो ये कुछ जस्ट रैंडम टाइम जो हमने यहां पे लिखे, बराबर आपके रेफरेंस के लिए, आपके रेफरेंस के लिए हमने ये टाइम लिखा हुआ है. आप जब भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे, आपको जो टाइम मिलता है तीन बार, आपको वही रिकॉर्ड करना है. ये हमने सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए लिखा हुआ है. ठीक है, तो इसको बिल्कुल अपने एक्सपेरिमेंट के साथ बिल्कुल भी मैच मत करिएगा. नाउ यहां पे एक और ऑब्जर्वेशन है, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी दैट इज 0.30 सेंटीमीटर. हमने ऑलरेडी यहां पे डायमीटर निकाल के रखा हुआ है, तो हम उसका रेडियस निकाल सकते हैं. और हम जब भी हम जो हमने तीन अलग अलग टाइम यहां पे हमने रिकॉर्ड किए, उसका अगर हम एवरेज निकालते हैं, तो ये एवरेज हमें जो मिल रहा है हमारे एक्सपेरिमेंट में, वो 4.1 सेकेंड मिल रहा है. ठीक है, सो 4.1 सेकेंड इज द एवरेज दैट वी आर गेटिंग इन दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट. नाउ द टर्मिनल वेलोसिटी इज द डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, क्योंकि 50 सेंटीमीटर का मार्किंग था यहां पे इस सिलिंड्रिकल जार के ऊपर. ओके, एंड वी हैव कैलकुलेटेड द टाइम फॉर द स्फेरिकल बॉडी फॉलिंग थ्रू द डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर थ्रू दिस पर्टिकुलर जार. ओके, तो 50 डिवाइड बाय 4.1, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आंसर हमें मिलता है 12.19 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो ये हमारा टर्मिनल वेलोसिटी मिल चुका है. अब हम इसका विस्कोसिटी निकालेंगे, तो यही इक्वेशन 2R² रो माइनस सिग्मा जी अपॉन 9V. ओके, 2R मतलब हमारा रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी. ओके, रो मतलब डेंसिटी ऑफ द आयन दैट इज 7.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वी विल वर्क इन अ CGS. सिमिलरली माइनस सिग्मा, सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ द ग्लिसरीन दैट इज 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. मल्टीप्लाई बाय जी, जी इज नथिंग बट द 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड डिवाइड बाय 9 इंटू वी, वी इज नथिंग बट द 12.19 जो अभी हमने जस्ट कैलकुलेट किया. ये सारी कैलकुलेशन को जब आप परफॉर्म करोगे तो हमें जो आंसर मिलता है दैट आंसर इज 9.4 पॉइज. तो 9.4 पॉइज इज द विस्कोसिटी ऑफ दिस गिवन लिक्विड दैट इज अ ग्लिसरीन. तो ग्लिसरीन का विस्कोसिटी हमें मिल चुका है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, दैट इज 9.4 पॉइज, और यही हमारा रिजल्ट बन जाता है. द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ अ गिवन विस्कस लिक्विड ग्लिसरीन दैट इज 9.4 पॉइज. आप इसको चाहो तो आप आइडियल वैल्यू के साथ इसको कंपेयर कर सकते हो. इसका जो आइडियल वैल्यू है दैट इज 9.5 पॉइज, और हमें जो मिला है वो ऑलमोस्ट सिमिलर जितना मिला हुआ है. ओके, तो जब आप अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो तो आप अपना टाइम रिकॉर्ड करें बराबर, और उसी के बेस पे आप इस तरह से सारी कैलकुलेशन शो कर सकते हो. एंड यू कैन कैलकुलेट द विस्कोसिटी ऑफ योर गिवन लिक्विड. यू कैन यूज एनी लिक्विड, यू कैन यूज द ऑयल ऑल्सो, यू कैन यूज द ग्लिसरीन ऑल्सो. ओके, बट द लिक्विड शुड बी ट्रांसपेरेंट. ओके, तो यहां पे हमें विस्कोसिटी मिल जाती है, और ये हमारा एक्सपेरिमेंट यहां पे ओवर होता है. थैंक यू.